Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Digital System Design EE319 course. And we will be covering the lecture number 10, part B in today's lecture. Last lecture mein humne storage elements ka review kiya tha, jisme SR latch se start kiya aur uske baad usko convert kiya humne simple detach mein. और उसके अंदर रेस कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, जिसकी वजह से हमने उसको जो है वो ट्रांसपेरेंट डी लैच में कन्वर्ट किया, जिसके अंदर दो एंड गेट्स के साथ थ्रू एक एनेबल सिग्नल को इंट्रोड्यूस किया था, और फाइनली हमने एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो देखे थे लास्ट लेक्चर के अंदर. तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसको अगर हमने वेरीलॉग में कोड करना हो तो किस तरीके से जो है वो उसको कोड कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टार्ट ये मॉड्यूल जो है वो मॉड्यूल नेम डी अंडरस्कोर रजिस्टर है, तो डी फ्लिप फ्लॉप का एक मॉड्यूल नेम हमने बनाया. और उसके बाद उसकी जो पोर्ट लिस्ट है उसके अंदर क्लॉक का सिग्नल और डाटा, ये इसकी दो इनपुट्स हैं. और सिमिलरली इसकी एक आउटपुट है क्यू के नाम से, और उस आउटपुट को जो है वो रेज डिक्लेयर भी किया हुआ है. अगर ऑलवेज ब्लॉक को हम देखें तो इसकी सेंसिटिविटी लिस्ट के अंदर जो है वो पॉज है, जो क्लॉक मौजूद है. इसका मतलब ये है कि क्लॉक सिग्नल का जब भी पॉजिटिव आ जाएगा तो उस टाइम इसका जो डाटा यानी जो इनपुट है उस पर जो कुछ होगा वो क्यू की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा. यानी हर पॉजिटिव एज के ऊपर इसमें एक्टिविटी होगी कि ये इनपुट का डाटा क्यू में स्टोर कर रहा होगा, और एट द सेम टाइम जो है ये क्यू, क्योंकि हमारी जो है वो क्यू आउटपुट डिक्लेयर हुई है तो ये डाटा जो है वो आउटपुट की तरफ भी जा रहा है. तो अगर इसका ट्रू टेबल हम गौर से देखें तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि जब हमारे पास इनपुट जो है वो ज़ीरो है और क्यू की भी करंट स्टेट जो यानी आउटपुट जो है वो ज़ीरो है तो क्यू नेक्स्ट भी ज़ीरो होगी, और अगर इनपुट जो है वो ज़ीरो हो जाती है और क्यू करंट स्टेट अगर वन हो तो तब भी आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी. और सिमिलरली अगर जो इनपुट अगर जो है वो वन होगी तो क्यू के अंदर चाहे ज़ीरो हो या वन हो, यही इनपुट जो है वो एज इट इज़ जो है वो आपकी आउटपुट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो ये कब होगा? ये हमेशा जब भी आपके पास जो पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगा तो तब ये चीज़ जो है वो ऑकर होगी. अगर इस फिगर को हम गौर से देखें तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जब भी जहाँ जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद इधर पॉजिटिव एज है, सिमिलरली इस क्लॉक के इस ये एज पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, एंड सो ऑन. तो हो रहा क्या है कि हर पॉजिटिव एज के ऊपर इस पॉजिटिव एज के ऊपर इनपुट में अगर वन आ गया तो वही इनपुट जो है वो आपकी आउटपुट की तरफ आउटपुट को जो है वन कर रही है. यानी इनपुट हमारी डी है और आउटपुट हमारी क्यू है. यानी अगर इनपुट में आपके पास वन आ गया है इस जगह पे तो एट द सेम टाइम आउटपुट जो है वन हो जाएगी. लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो इनपुट जो है वो ऑलरेडी इस पॉइंट के ऊपर वन हो चुकी है, लेकिन आउटपुट वन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपका जो पॉजिटिव एज है वो यहाँ पे आया है, और जब पॉजिटिव एज आएगा तब ये इनपुट जो है वो आउटपुट की तरफ वन होगी. और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें तो आपकी इनपुट जो है वो ज़ीरो हो चुकी है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव एज यहाँ पे अकर हुआ है तो इस पॉजिटिव एज के ऊपर ये इनपुट जो ज़ीरो है ये आउटपुट को जो है वो ज़ीरो कर देगी. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आता है उस टाइम डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी इनपुट को मॉनिटर कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट डेवलप कर रहा है. तो ये पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक जो है जो हमने कोड में लिखा हुआ है, इस पे जब भी पॉजिटिव एज यानी ऑलवेज ब्लॉक में क्लॉक के ऊपर जब भी पॉजिटिव एज आ जाएगा तो इनपुट पे जो भी कुछ होगा डाटा में वो आपका क्यू की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा. अब क्योंकि हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप हैं उसके अंदर रीसेट का सिग्नल भी हो सकता है डेफिनेटली, अगर फ्लिप फ्लॉप है और अगर हम उसको रीसेट करना चाहते हैं उस फ्लिप फ्लॉप में जो भी कुछ आपके पास सेव हुआ है तो हमें रीसेट का एक सिग्नल भी रिक्वायर्ड होगा. तो इस लेफ्ट साइड पे जो मॉड्यूल लिखा हुआ है डी फ्लिप फ्लॉप का, इसमें एक नया सिग्नल आपको नज़र आ रहा है कि हमने रीसेट अंडरस्कोर इन के थ्रू एक रीसेट सिग्नल स्टोर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि इनपुट है. और रीसेट अंडरस्कोर एन का मतलब ये है कि ये एक्टिव लो सिग्नल है. यानी रीसेट फ्लिप फ्लॉप तब होगा जब रीसेट अंडरस्कोर एन के ऊपर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा.
और बाकी रिमेनिंग सिग्नल्स वही हैं, ये आपकी क्लॉक है, डाटा है और ये आपके आउटपुट क्यू है। तो अगर अगेन ऑलवेज ब्लॉक के अंदर एट पॉज एज ऑफ क्लॉक, जब भी पॉजिटिव एज आएगा तो क्या हो रहा है, इफ़ की कंडीशन है जो चेक कर रही है कि आपके रीसेट अंडरस्कोर एन सिग्नल के ऊपर ज़ीरो तो नहीं आ गया, और रीसेट अंडरस्कोर एन पे जैसे ही ज़ीरो आएगा तो आपकी जो आउटपुट है वो रीसेट हो जाएगी, उसको वन बिट का ज़ीरो असाइन कर दिया। एल्स अदरवाइज यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी अगर रीसेट पे ज़ीरो नहीं आया हुआ, रीसेट वन है, तो उस सूरत में क्या होगा कि इनपुट पे जो कुछ होगा वो आउटपुट पे जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ अगर आप देखें, ये वाली सारी चीज़ फॉल कर रही है इस पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के ऊपर, कि पहले पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगा, उसके बाद अगर रीसेट ज़ीरो हुआ तो क्यू रीसेट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और अगर रीसेट नैनो स्कोर एन के अंदर वन हुआ तो हर पॉजिटिव एज के ऊपर जो आपके पास डाटा है वो क्यू की तरफ जा रहा है, यानी इनपुट जो है वो आउटपुट के ऊपर जा रही है। तो इस किस्म के रीसेट को हम जो है वो सिंक्रोनस रीसेट कहते हैं। और ये रीसेट जो है, ये रीसेट जो है वो सिंक्रोनस क्यों है, क्योंकि ये क्लॉक के एज के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। जब तक पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक नहीं आएगा, अगर रीसेट में ज़ीरो आ भी गया है तो वो आपके क्यू को ज़ीरो नहीं करवा सकता, रीसेट नहीं करवा सकता। उसकी रीज़न क्या है कि जब पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगा तब ही इस पूरे ऑलवेज ब्लॉक ने जो है वो एग्जीक्यूट करना है, चलना है। तो जब तक पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक मौजूद नहीं है, चाहे रीसेट सिग्नल आपका ज़ीरो हो भी जाए, तो आपका जो आउटपुट है क्यू है वो रीसेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो, या उसका जो रीसेट है वो सिंक्रोनाइज्ड है इसके पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के साथ। ऑन द अदर हैंड वी हैव असिंक्रोनस रीसेट। तो असिंक्रोनस रीसेट में क्या होता है, असिंक्रोनस रीसेट के सिग्नल को असिंक्रोनस हम तब कह सकते हैं कि जब हम उसे क्लॉक से इंडिपेंडेंट कर देंगे, यानी क्लॉक का एज से जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो जो है वो असिंक्रोनस रीसेट बन जाएगा। सिंक्रोनस में क्या था, पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगा तब रीसेट चेक होगा, अगर पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक नहीं है तो रीसेट चेक ही नहीं होता। लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने नेग एज ऑफ रीसेट को ऑलवेज ब्लॉक की सेंसिटिविटी लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब है कि नेग एज का क्या मतलब है कि जो रीसेट का सिग्नल है वो वन से ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो तभी नेगेटिव एज अकर होगा। तो ज़ीरो की तरफ जा रहा है इसका मतलब है कि इसके बाद जो है वो ये ज़ीरो हो जाएगा। एंड देन हमने इसी रीसेट को, क्योंकि इस ऑलवेज ब्लॉक के अंदर अब ये दो तरीके से आ सकता है, या तो पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आ जाएगा तब भी ऑलवेज ब्लॉक ने चलना है, या फिर नेग एज ऑफ रीसेट आ जाएगा तब भी ऑलवेज ब्लॉक ने चलना है। तो अगर नेग एज ऑफ रीसेट की वजह से ऑलवेज ब्लॉक में आया है तो डेफिनेटली, क्योंकि नेग एज का मतलब यह है कि जो रीसेट का सिग्नल है वो वन से ज़ीरो हो रहा है और ये ज़ीरो हो चुका होगा, तो अगर रीसेट ज़ीरो है तो फिर जो है वो आउटपुट को ज़ीरो कर रहा है। अदरवाइज़ क्या कर रहा है, यानी अगर रीसेट सिग्नल नहीं है, यानी अगर रीसेट ज़ीरो नहीं है तो फिर वो क्या कर रहा है कि जो कुछ आपकी इनपुट पे है वो आपकी जो है वो क्यू पे लेके जा रहा है। यानी अगर रीसेट असर्ट नहीं हुआ हुआ तो फिर एल्स चलेगी और एल्स डाटा इनपुट को आउटपुट की तरफ लेके जा रहा है। और दूसरी कंडीशन में अगर पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आ जाता है तो फिर दोबारा ये चेक करेगा कि क्या रीसेट तो नहीं है, अगर रीसेट नहीं है तो फिर इनपुट जो है वो जस्ट आउटपुट की तरफ जा रही है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस ऑलवेज ब्लॉक में, इस पूरे ऑलवेज ब्लॉक के अंदर अगर वो नेग एज ऑफ रीसेट की वजह से आया है तो डेफिनेटली रीसेट हो के ही बाहर निकलेगा, ये एल्स वाला जो है वो आपका नहीं चलेगा। उसकी रीज़न क्या है कि नेग एज ऑफ रीसेट का मतलब है कि जो रीसेट अंडरस्कोर एन का सिग्नल है वो वन से ज़ीरो की तरफ जा रहा है तब ही नेग एज आएगा, और जब वन से ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली ये जो पहली कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे रीसेट अंडरस्कोर एन ज़ीरो है, तो एट द सेम टाइम आपकी जो आउटपुट है वो ज़ीरो होगी और एल्स एग्जीक्यूट हुए बगैर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक की वजह से आया है तो फिर दो काम हो सकते हैं कि पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक की वजह से आया है तो रीसेट ज़ीरो भी हो सकता है, और अगर रीसेट ज़ीरो नहीं है तो फिर हर इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी आउटपुट की तरफ निकल जाएगी।
नेक्स्ट जो है वो हम स्टिमुलस लिखना ऑलरेडी जो है वो सीख चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब हम सिक्वेंशियल सर्किट्स की तरफ हैं तो सिक्वेंशियल के अंदर हमें जो है वो एजेस क्लॉक के चाहिए होते हैं, यानी क्लॉक जनरेट करना भी होती है. तो क्लॉक जनरेट करने के लिए हमें, अगर हम अपने मॉड्यूल को, डिज़ाइन मॉड्यूल को टेस्ट करने लगेंगे किसी स्टिमुलस के थ्रू, तो हमें जो है वो क्लॉक सिग्नल रिक्वायर्ड होता है. तो क्लॉक जनरेट करने के लिए एक छोटा सा पीस ऑफ कोड जो है वो उसके अंदर लिखा हुआ है. अगर हम लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो पहले इसमें एग्जांपल दी हुई है जो टाइम स्केल का डायरेक्टिव है 1 नैनोसेकंड ओवर 10 पिकोसेकंड. इसका मतलब ये है कि आपका जो जो मेन ग्रिड होगी वो 1 नैनोसेकंड है, और उसके अंदर जो प्रिसीजन है वो आप जो है वो 10 पिको तक की जा सकते हैं. 10 पिको का मतलब जो है वो 0.01 नैनोसेकंड है, यानी अगर आप जो इसमें डिले देना चाहते हैं तो 1.01 नैनोसेकंड की प्रिसीजन तक जो है वो आप मिनिमम डिले इसमें दे सकते हैं. इसमें कोड में हमारे पास जो टाइम स्केल के थ्रू हमने डिफाइन किया हुआ है डिले 1 नैनो, 1 नैनो, 1 नैनो, इसका मतलब यह है कि इसकी जो मेन ग्रिड है वो भी 1 नैनो है और इसकी प्रिसीजन लेवल भी 1 नैनो है. तो इसका मतलब 1 नैनो से छोटा डिले आप जो है वो इसके अंदर नहीं दे सकते. उसके बाद हमने मैक्रो डिफाइन किया हुआ है क्लॉक पीरियड, क्लॉक अंडरस्कोर पीरियड 5 के नाम से. इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे हमारे कोड में हम क्लॉक पीरियड यूज़ कर रहे होंगे वो जब कंपाइल जब हम करेंगे तो रिप्लेस 5 से होता जाएगा. उसके बाद रजिस्टर डिफाइन किया हुआ है क्लॉक, और मज़ीद जो है वो ए बी और उसके बाद वाई डिफाइन हुई है आउट, और सिंपल एक माई एडर के नाम से सिंपल सा एक जो है वो मॉड्यूल इंस्टेंशिएट किया हुआ है जिसमें 2 इनपुट हैं और 1 आउटपुट जो है वो आउट के नाम से. इनिशियल का ब्लॉक यूज़ किया है जिसके अंदर हमने क्लॉक को जो है वो 0 कर दिया है. उसके बाद दूसरा प्रोसीजर ब्लॉक ऑलवेज़ का यूज़ हुआ है, और ऑलवेज़ का ब्लॉक क्या कर रहा है यहाँ पे कि हर 5 नैनो सेकंड बार, क्योंकि हमारे पास टाइम स्केल 1 नैनो का डिफाइन है और हमारे पास क्लॉक पीरियड जो हमने ऑलरेडी 5 डिफाइन किया हुआ है, तो हर 5 यूनिट डिलेज बाद क्लॉक के ऊपर जो भी कुछ होगा सिग्नल वो इन्वर्ट होके दोबारा क्लॉक को साइन हो जाएगा, यानी क्लॉक इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ क्लॉक, यानी हर 5 नैनो सेकंड बाद ये क्लॉक इन्वर्ट होती जाएगी. ठीक है, और ये क्योंकि ऑलवेज ब्लॉक में लिखा हुआ है और इसकी सेंसिटिविटी इसमें कुछ नहीं है, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक हमारी सिमुलेशन जो है वो ऑन है. उसके बाद इनिशियल का एक और ब्लॉक है. इस इनिशियल ब्लॉक में हमने ए और बी को 1 किया हुआ है, उसके बाद 100 यूनिट टाइम का डिले यानी 100 नैनो सेकंड का डिले है, और उसके बाद ए को 0 बी को 1 कर दिया. ये कुछ जस्ट हमने सिग्नल वैसे ही इसके ऊपर असाइन किए हैं, और उसके बाद 1000 नैनो सेकंड बाद जो है वो ये सिमुलेशन फिनिश हो जाएगी. तो ये एक छोटा सा कोड था. अगर इसको इसके हम थोड़ी सी कैलकुलेशन में देखें तो ये क्या कर रहा है कि हर 5 नैनो सेकंड बाद जो है वो क्लॉक इन्वर्ट होती जा रही है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो क्लॉक का टाइम पीरियड टोटल बन जाएगा, यानी हर 5 नैनो सेकंड बाद ये इतने टाइम बाद क्लॉक इन्वर्ट होगी और ये 1 से जो है वो 0 हो जाएगी, और फिर अगेन इतने ही यानी 5 नैनो बाद ये क्लॉक जो है वो 1 से 0 हो जाएगी, और सॉरी 0 से 1 हो जाएगी. और अगर हम ये टोटल टाइम देखें तो इसका क्लॉक का टाइम पीरियड जो है वो टोटल 10 नैनो सेकंड बन जाता है. तो अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो कि इस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 1/10 नैनो करेंगे तो इसकी जो वो आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास. तो इस तरीके से जितनी भी फ्रीक्वेंसी की हमने क्लॉक जनरेट करनी हो, हम इस क्लॉक पीरियड को कंट्रोल करके जो है वो जनरेट कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगेन थोड़ा सा हमने देखा है कि किस तरीके से क्लॉक जो है वो डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स की या डिफरेंट जो है वो फ्रीक्वेंसीज की हम जनरेट कर सकते हैं. तो 1 नैनो/1 पिको का मतलब हमें ऑलरेडी नोन है कि जो हमारे पास मेन ग्रिड होगी 1 नैनो की, और प्रिसीजन हमारी 1 पिको तक ही हम अचीव कर सकते हैं अपने किसी भी डिले में. उसके बाद हमने डिफाइन किया हुआ है साइकिल को 20 वैल्यू से और साइकिल 2 को जो है वो 10 से. इसका मतलब है कोड में जहाँ जहाँ हम साइकिल यूज़ करेंगे वो 20 से रिप्लेस होगा, और साइकिल 2 जहाँ जहाँ पे यूज़ करेंगे वो 10 से रिप्लेस हो जाएगा.
उसके बाद हमने मॉड्यूल डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम जो है वो टेस्ट है. उसके बाद रजिस्टर डिक्लेयर किया हुआ है रीसेट क्लॉक और क्लॉक टू को, और वायर डिक्लेयर की बी को. आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा. उसके बाद हमने जो हमारा यूनिट अंडर टेस्ट है उसको इंस्टेंशिएट कर दिया है, जो उसके बाद इंस्टेंसिएशन प्रॉपर हमारे जो हमने यहाँ पे रेज और वाइज डिक्लेयर की थी उनके साथ उसको जो है प्रॉपर इंस्टेंसिएशन कर दिया. और इसके बाद जो है वो इनिशियल का पूरा ब्लॉक है जिसके अंदर हमने जो उसकी इनपुट्स थी ए उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो चेंज किया है हर थोड़े थोड़े डिले के बाद. और फाइनली हमने ये सिमुलेशन 100 यूनिट टाइम डिले के ऊपर जो है वो एंड कर दिया. ये तो हमने अपना जो टेस्ट मॉड्यूल था उसका सिर्फ एक इनिशियल ब्लॉक लिखा है. उसके अलावा अगर आप देखें तो किस तरीके से हम क्लॉक जनरेट करेंगे, क्लॉक जनरेट करने के लिए ये इस कोड में आपको दे आर टू डिफरेंट ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर वन में हम देख सकते हैं कि हमने एक इनिशियल ब्लॉक यूज़ किया हुआ है और इनिशियली क्लॉक टू को ज़ीरो कर दिया. क्लॉक टू क्या है वो हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, क्लॉक टू इज़ इक्वल टू 10 है आई थिंक. और उसके बाद एक ऑलवेज का ब्लॉक है जिसमें साइकिल टू का डिले है और क्लॉक टू को इन्वर्ट किया हुआ है हर साइकिल टू के डिले के बाद. यानी एक ऑलवेज ये एक्टिविटी होती रहेगी कि क्लॉक टू इन्वर्ट होकर क्लॉक टू को असाइन होती रहेगी और कितने डिले बाद साइकिल टू का जितना भी डिले है उसके बाद ये काम होता रहेगा और ये कंटिन्यूसली होता रहेगा जब तक हमारी सिमुलेशन एंड नहीं हो रही. सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप एक और हमने एक इनिशियल का ब्लॉक यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर जो है वो इनिशियली क्लॉक को हमने ज़ीरो कर दिया है और उसके बाद फॉर एवर लूप यूज़ की हुई है. फॉर एवर लूप क्या करती है, ये भी फॉर एवर लूप जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगी कि जब तक आपकी सिमुलेशन एंड नहीं हो रही ये फॉर एवर लूप कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होती रहेगी. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस फॉर एवर लूप के बाद जो हमने साइकिल था जो कि हमने 20 आई थिंक डिफाइन किया था डिवाइड बाय 2, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 10 रह जाएगा. 10 यूनिट का डिले, हर 10 यूनिट डिले बाद क्लॉक इन्वर्ट होके जो है वो क्लॉक को असाइन हो रही है. तो अगर यहाँ हम देखें तो 20 डिवाइड बाय 2 अगेन 10 यूनिट का डिले हमारे पास आ जाता है. तो 10 यूनिट का डिले अचीव करने के लिए दो डिफरेंट जस्ट लॉजिक दी हुई हैं दो तरीकों से जो है वो आप लोगों को समझाया गया. और उसके बाद इनिशियली हमने क्या किया है, रीसेट को 1 रखा है. उसके बाद जो है वो हमारे साइकिल 1 साइकिल का डिले दिया हुआ है जो कि 20 है, 20 का डिले आ जाएगा. और उसके बाद रीसेट को 0 करके फिर जो है वो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 का डिले है. और उसके बाद फिर जो है वो रीसेट फाइनली 1 करके छोड़ दिया. यानी रीसेट को एक दफ़ा 0 किया है, रीसेट इनेबल कर दिया और उसके बाद फिर उसको डिसेबल करके छोड़ दिया. फाइनली इस स्लाइड के अंदर मेनली हमने ये चीज़ कवर की हुई है, जब भी आप जो है वो फीडबैक रजिस्टर्स यूज़ करेंगे तो उनके साथ जो है वो रीसेट का सिग्नल लाजमी अकोमोडेट करें. उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आपका कोई रजिस्टर फीडबैक पाथ में आ रहा होगा तो अगर आपने इसको इनिशियली रीसेट नहीं किया होगा तो इस फीडबैक पाथ में क्या चीज़ इनिशियली जो है वो फीडबैक होना शुरू हो जाएगी वो अननोन नहीं होती. तो उसको किस तरीके से करते हैं ये अगर आपको याद हो हमने बिल्कुल शुरू में देखी थी एग्जांपल, और हमने कहा था एक्यूमुलेटर के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने कहा था लेक्चर नंबर 10 का पार्ट ए, उसमें हम स्टार्ट में हमने देखा था कि अगर हम इसके अंदर कम्बिनेशनल फीडबैक को अवॉइड करने के लिए हम इसके अंदर रजिस्टर इंस्टार्ट कर देते हैं. तो वो किस तरीके से करते हैं कि ऑलवेज एट पॉज एज ऑफ क्लॉक और नेग एज ऑफ रीसेट, कि अगर क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा या रीसेट अंडरस्कोर एन का नेगेटिव एज आ जाएगा तो ये पूरा ऑलवेज ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होना है. तो इसमें हम सबसे पहले कंडीशन लगी हुई है इफ़ नॉट रीसेट, यानी अगर रीसेट अगर ज़ीरो है तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो कि ये वाला रजिस्टर है आपका फीडबैक पाथ में एग्जिस्ट कर रहा है, ये पूरा का पूरा रजिस्टर जो है वो 16 बिट का रजिस्टर ज़ीरो हो जाएगा. अदरवाइज इस रजिस्टर के अंदर आपका जो डाटा या जो भी इनपुट आ रही है वो ऐड होके दोबारा इसी को असाइन हो जाएगी. तो सिंपल सी लॉजिक है,
जिसके अंदर हमने जो है वो रीसेट को मेन पर्पस क्या था कि हमारा रीसेट सिग्नल इंक्लूड हो जाए, कि अगर इनिशियली फिर जब हम इसको मॉड्यूल को स्टिमुलस के थ्रू टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर भी हम सबसे पहले जो है वो रीसेट को ज़ीरो करते हैं और उसके बाद उसको वन कर देते हैं ताकि एक्यूमुलेटर के अंदर जो है वो रीसेट होकर आपकी जो है वो वैल्यू ज़ीरो हो जाए और उसके बाद जो भी नया आने वाला डाटा है उसके साथ ही एक्यूमुलेटर अपनी वैल्यू को ऐड करके दोबारा अपने आप को अपडेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 10 का पार्ट बी जो है वो एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।